Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start the term 2 lessons, unit 5 of our 7th grade honeycomb book. We are going to start the 7th grade honeycomb book, unit 5, that is our term 2, and the lesson is the the lesson that we are going to discuss today is quality. Okay, it is the fifth lesson, and it is written by John Galsworthy. Okay, it is written by John Galsworthy. G. Galsworthy is best known for his literary series. Okay, and he is an English novelist and a Nobel Prize winner. He won Nobel Prize in 1932. तो ये जो स्टोरी क्वालिटी लिखी है इसके राइटर जो हैं जी गैल्सवर्दी उनको क्या मिला था नोबेल प्राइज मिला था 1932 में एंड ही बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं ठीक है और अपनी लिटरी सीरीज ठीक है अपनी एक इनकी सीरीज आई थी द फॉरेस्टी सागा इसके लिए ये बहुत ही फेमस थे एंड हिज पोर्ट्रेल ऑफ द ब्रिटिश अपर क्लासेस और इसमें इन्होंने क्या किया था ब्रिटिश पीपल के जो अपर क्लास लोग थे इनको इन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था एंड हिज ट्रीटमेंट्स ऑफ सोशल वैल्यूज और वो उनकी जो ट्रीटमेंट्स थी सोशल लोगों की वो उस में बहुत अच्छे से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था ऑल्सो अ ड्रामेटिस्ट ही इज ऑल्सो अ ड्रामेटिस्ट तो नॉवलिस्ट तो है ही नॉवलिस्ट होने के साथ साथ ड्रामेटिस्ट भी हैं His reputation in his lifetime was a second only to that of George Bernard Shaw. तो इनकी जो reputation है वो क्या है After George Bernard Shaw इनकी मतलब उनकी वो copy उन्हीं के जैसे ये हैं Through his plays, Galsworthy was a compassionate reformer. तो जो Galsworthy थे उनकी राइटिंग्स जो थी उससे लगता था कि वो लोगों को कंपैशन सिखाते हैं और लोगों को रिफॉर्म कर रहे हैं ठीक है ना एंड ऑब्वियसली अ वेरी ग्रेट राइटर दैट्स व्हाई ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1932 और जो ये इनकी स्टोरी है क्वालिटी ये स्टोरी भी जो है ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी है एक शू मेकर की ठीक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं द चैप्टर हैज़ बीन एप्टली गिवन द टाइटल क्वालिटी एज द एंटायर चैप्टर इज अबाउट द स्पेक्टेकुलर क्वालिटी ऑफ बूट्स मेड बाय अ पर्सन नेम्ड मिस्टर गेस्लर तो चैप्टर का नाम जो है वो क्वालिटी है मैंने अभी बताया कि ये स्टोरी जो है एक शू मेकर की है और चैप्टर का नाम जो है क्वालिटी है तो एक शू मेकर और क्वालिटी चैप्टर्स नेम इज क्वालिटी एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ शू मेकर यानी कि क्या होगी स्टोरी एक शू मेकर की जो बहुत ही बेहतरीन जूते बनाता था यही कहानी है ठीक है द ऑथर इज वेरी फॉन्ड ऑफ द बूट्स मेड बाय हिम जो ऑथर है उनको इनके जूते बहुत ही पसंद थे एंड ही ऑल्सो सेज दैट द बूट्स स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और ये कहते हैं द ऑथर सेज दैट उनके जो बूट्स हैं वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ठीक है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं द स्टोरी नरेट्स हाउ मिस्टर गेस्लर फील्स अबाउट बिग फर्म्स हु आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द एडवर्टीजमेंट्स एंड नॉट द क्वालिटी ऑफ द बूट्स दे मेक तो ये स्टोरी है मिस्टर गेस्लर की एक शू मेकर की जो इस चीज़ को लेकर कंसर्न्ड हैं कि आजकल लोग जो हैं वो सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ही मतलब वो चाहते हैं कि हमारी जो भी चीज़ें हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट हो इतनी अच्छी कि लोग उसे पसंद करें जबकि उसकी क्वालिटी के बारे में वो नहीं सोचते हैं और वो क्या सोचता था ही डज नॉट यूज टू थिंक कि हाँ मैं अपनी चीज़ें हम मैं बहुत अच्छा बूट्स बनाता हूँ तो मैं उसको एडवर्टीजमेंट्स करूँ उसे लगता था कि नहीं क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एडवर्टाइजिंग इट ठीक है ना ऑफ द बूट्स दे मेक ही सेज दैट बिकॉज ऑफ सच बिग फर्म्स पीपल लाइक हिम सफर एंड लूज कस्टमर्स तो उसे इन बिग फर्म्स जो ज़्यादा
इम्पोर्टेंस एडवर्टीजमेंट को देते हैं और क्वालिटी को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, उनसे वो उसे अच्छे नहीं लगते थे, और उसे लगता है कि जो क्वालिटी पीपल हैं जिनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कोई भी स्किल करने की, जैसे कि शू मेकिंग की ही या फिर किसी भी चीज़ की भी, और वो अपने आप को दिखा नहीं पा रहे हैं दुनिया को, या फिर अपनी चीज़ों को वो एडवर्टाइज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी और एनीथिंग, तो उनको उनको क्या किया जाता है, वो उनको अनदेखा कर दिया जाता है, और उसकी वजह से ये लोग जो हैं उनके कस्टमर्स जो हैं वो छूट जाते हैं, और वो उन फर्म्स के पास, बिग फर्म्स के पास चले जाते हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी होती है। ओके, तो ये स्टोरी जो है ये हमारे आजकल के जो जनरेशन है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एडवर्टाइजमेंट के पीछे ना जाएं, जो चीज़ें हैं जो बहुत उन फोकस जिसको बहुत अच्छे से एडवर्टाइज़ किया जाता है, उन चीज़ों पे ना जाके चीज़ों की क्वालिटी देखें और क्वालिटी देख के ही उसको परचेज करें या फिर उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं कहाँ स्टोरी को पढ़ना। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। तो ये क्या है, इट्स अ फर्स्ट पर्सन नरेशन। जो नरेटर है वो क्या कर रहे हैं, वो स्टोरी को अपने आई मीन ही इज़ नरेटिंग इट हिमसेल्फ, आई बोल के नरेट कर रहे हैं, तो वो खुद ही नरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है। तो वो कहते हैं कि आई नो हिम, आई न्यू हिम, तो आई जो है ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, राइटर, ऑथर ऑफ द स्टोरी, और न्यू हिम, ये हिम कौन है जिसके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। हिम कौन है, हिम इज मिस्टर गेसलर जिनके बारे में हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। तो मैं उनको अपने जवानी के दिनों से जानता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे फादर के बूट्स वही बनाया करते थे। कौन, मिस्टर गेसलर। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और अपने बड़े भाई के साथ उसकी दुकान में वो रहते थे, विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। और एक बाई स्ट्रीट में थी वो, बाई स्ट्रीट का मतलब होता है साइड स्ट्रीट। ठीक है, इनकी शॉप जो थी वो बाई स्ट्रीट में थी, इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ द लंडन। फैशनेबल पार्ट लंडन का क्या हो गया, यानी कि वो लंदन का वो हिस्सा, लंदन क्या है पता है ना, इट इज़ द कैपिटल ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो वो फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन का वो हिस्सा, लंदन के वो हिस्से में जहाँ पे लोग जो थे वो काफ़ी फेमस और ट्रेंडी थे, ऐसी जगह में उनकी वो शॉप थी जहाँ पे वो अपने बड़े भाई के साथ काम करते थे, मिस्टर गेसलर। ओके, जिसके बारे में ये कहानी है, जिसके बारे में ये ऑथर जो है वो स्टोरी लिखी है उसने। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers. तो शॉप जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है, वो अलग थी, डिस्टिंक्ट थी, ठीक है ना। There was a difference by the other shops. हर एक शॉप के ऊपर क्या होता है, नाम लिखा होता है ना, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ ये यहाँ पे कपड़े बिकते हैं, यहाँ पे जूते बिकते हैं, या फिर ये जो शॉपकीपर है वो कौन है, किन का नाम है, ये सब हमें मालूम पड़ता है। तो जो शॉप था उसमें वो थोड़ा अलग था, देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ द गेसलर ब्रदर्स। सिर्फ क्या थे वहाँ पे, नेम थे, गेसलर ब्रदर्स के नाम थे, और कोई भी साइन नहीं थी ना, कुछ भी ऐसा बहुत अट्रैक्टिव सा कुछ भी नहीं था उसमें। एंड विद इन द विंडो ऑफ अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और विंडोज के ऊपर जो है जो शो विंडोज होती हैं उनमें कुछ बूट्स रखी हुई थी, बस इतना ही था। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड, और वहाँ पे बूट्स जो हैं सिर्फ ऑर्डर्स पे ही बनाई जाती थी। बूट्स बना के रखा हुआ है और कोई आ रहा है और उसको पहन रहा है, ऐसा ट्रेंड नहीं था उस दुकान का। उस दुकान का ट्रेंड था कि जितने ऑर्डर्स होंगे उतनी ही बूट्स बनाई जाएंगी, उसके अलावा बूट्स नहीं बनाए जाते थे। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो भी बूट्स वो बनाते थे वो कभी भी किसी में भी ऐसा नहीं हुआ कि वो फिट नहीं हुआ हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बूट्स बनाते थे, और वो बहुत ऐसा बूट्स बनाते थे जो जिसके लिए भी बना हो उसके उसके में बिल्कुल भी फिट हो जाता था।
टू मेक बूथ्स सच बूथ्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. तो टू मेक बूथ्स, उस तरह के बूट्स बनाना, उस तरह के जूते बनाना, सच बूट्स एज ही मेड, जिस तरह के बूटे जूते वो बनाता था, उस तरह के जूते बनाना, सीम टू मी, वो चीज़ जो है मुझे उस समय भी मिस्टीरियस लगती थी, ठीक है, और आज की डेट में भी मिस्टीरियस लगती है. यानी जो मिस गेस्लर हैं, मिस्टर गेस्लर, उनके जो बूट्स हैं वो जिस तरीके से बनाते थे वो क्वाइट मिस्टीरियस थी, उस समय भी और अभी की डेट में भी. किसके लिए? ऑथर के लिए, ठीक है. तो जो बूट्स थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और वो हमेशा ऑर्डर पे ही बनाई जाती थी, ऑर्डर पे ही बना के रख, मतलब ये नहीं कि हाँ किसी ने आया और बूट्स खरीद के ले गए, ऐसा नहीं होता था. जैसा ऑर्डर दिया उस हिसाब से आपके पैरों को नाप के और उस किस तरह के पैर हैं उनका जो साइज़ है, शेप है, उसको देखने के बाद बूट्स को अच्छे से बनाया जाता था, ठीक है, ताकि वो बहुत दिनों तक चले भी और थोड़ी सी भी फिटिंग की प्रॉब्लम ना हो. आई रिमेम्बर वेल माय शाई रिमार्क्स वन डे व्हाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माय यूथफुल फुट. इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर? तो आई रिमेम्बर माय शाई रिमार्क्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाई रिमार्क्स? तो एक बार मैंने बहुत ही मतलब जब शाई रिमार्क्स क्या होते हैं, अगर हम किसी को कोई चीज़ बोलते हैं बहुत शर्मा के बोलते हैं, ठीक है ना, तो हम उसको बोलते हैं शाई रिमार्क्स. तो मुझे याद आता है कि जब मैं छोटा था, ठीक है ना, तो जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं बहुत बातूनी होते, लेकिन कुछ नहीं होते हैं तो वो बहुत ही अपने में जब बात करते हैं, तो वैसे ही उसने एक शाई रिमार्क जो की थी उसको, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैंने उसको अपने अपने पैर दिए थे कि हाँ मेरे लिए जूते बनाओ, ठीक है, तो मैंने उस समय जब मिस्टर गेस्लर को अपने पैर दिए तो मैंने कहा कि इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर? तो मैंने उनको पूछा था कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है किसी के पैरों के लिए जूते बनाना, ठीक है, और वो एकदम साइज़ के बिल्कुल उनके पैर में एकदम फिट हो जाए, इस तरह के जूते बनाना क्या बहुत हार्ड नहीं है? एंड हिज आंसर गिवन विथ अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड. और जो उन्होंने आंसर दिया था वो क्या था कि वो उन्होंने जो आंसर दिया था, ही गेव इट विद द स्माइल एंड द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड. और उनकी जो रेड बियर्ड थी उसमें से स्माइल में उन्होंने आंसर किया और उन्होंने कहा इट इट एन आर्ड. ओके, तो जरा स्पेलिंग देखो, इट इज एन आर्ट. इसका मतलब क्या हुआ? इट इज एन आर्ट. ओके, तो ये ऐसे क्यों लिखा है? जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी हिंदी क्या है? हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो हम उसे कैसे बोलते हैं? हम फटाफट से बोल देते हैं उसे. अगर कोई फॉरेन पर्सन है और वो हमारी हिंदी सुनेगा तो उसे बहुत जल्दी से समझ में नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि हम फटाफट से बोल देते हैं. वैसे ही बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं इन ब्रिटेन जो स्कूल नहीं गए हैं या फिर जिनकी एडुकेशन बहुत कम है और वो प्रॉपर इंग्लिश के जो प्रोनंसिएशंस हैं उनके जो होते हैं वो टिपिकल ऐसे ही होते हैं. ये इनको कहते हैं देसी प्रोनंसिएशन ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट, तो वो इस तरीके से बोलते हैं ना, इट्स एन आर्ट, तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं. तो वो कह रहे हैं वो कह रहा था कि इट इज़ एन आर्ट, कि वो क्या है? इट इज़ एन आर्ट, यानी कि मुश्किल काम नहीं होता है, वो क्या है? वो एक आर्ट है, वो एक कला है. और कला जो है वो मुश्किल नहीं की होती है, वो क्या की जाती है? दिल से की जाती है. तो जब वो जूते बनाता था तो वो कैसे बनाता था? दिल से बनाता था, पूरे दिल से उसको बनाता था, जैसे कि वो उसकी कला है, ठीक है ना. जैसे किसी को कुकिंग की शौक होती है तो वो जब खाना बनाते हैं तो बहुत दिल से बनाते हैं. उनका खाना क्यों अच्छा बनता है? क्योंकि वो उसमें अपना पूरा हार्ट लगा देते हैं कि हाँ ये डालेंगे ऐसे करेंगे तो खाना जो है वो टेस्टी आएगा. तो वैसे ही जब वो शू मेकर शू बनाता था मिस्टर गेस्लर, तो वो भी ना वो ऐसे ही अपनी पूरी की पूरी कला जो है वो शूज़ पे दिखा देता था. तो वो उसके लिए क्या था? इट वॉज एन आर्ट फॉर हिम. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary,
सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। ठीक है, तो उनके पास रोज रोज जाना पॉसिबल नहीं था, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, बहुत जल्दी जल्दी जाना उनके पास ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके जो बूट्स थे वो बहुत चलते थे, बहुत दिनों तक लॉन्ग लास्ट करते थे वो, तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी उनके पास जाना नहीं होता था। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्प्ररी, ठीक है, टेम्प्ररी और कुछ भी टेम्प्ररी जो थी वो स्टिचेस होती थी, बस उसी के लिए हम जा सकते थे, सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच्ड इन टू देम। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं अगर जैसे होती हैं कि हाँ हमने कुछ खरीद के लाया शूज़ और फिर उसको क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं या फिर मेंड कर रहे हैं, बार बार उसे उसमें यहाँ फट गया वहाँ फट गया, तो ये भी चीज़ जो है उनकी शूज़ में ये चीज़ भी देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी के होते थे और वो इतने ज़्यादा चलते थे कि अगर एक बार शूज़ ले आए तो कम से कम 2-3 साल के बाद फिर दूसरे शूज़ लेके आएंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी की वो शूज़ बनाते थे। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च। तो वन वेंट इन, उनकी शॉप में कोई ऐसे जाता था जैसे दूसरे शॉप्स में नहीं जाता था, दूसरे शॉप्स में है आज गए फिर 6 महीने के बाद गए फिर 1-3 महीने के बाद चले गए, लेकिन उनकी शॉप में ऐसे कोई नहीं जाता था, लेकिन बहुत ही दिन दिन हो जाते थे बस रेस्टफुली, लेकिन बहुत आराम से जाते थे। क्यों? क्योंकि शूज़ लेने हैं उन्हें, शूज़ उनके जल्दी से टूटेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे, आराम से ही जाएंगे, है ना, तो आराम से जाते थे। एज सम वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर वेटेड, जैसे कि कोई चर्च में गया हो और एक वुडन चेयर पे बैठ के क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। अ गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लिपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट अ कोट अ लिटिल बेंट इन अ लेदर एप्रन विथ स्लीव्स टर्न्ड बैक ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट। तो जब हम उनके पास उनकी शॉप में जा करके बैठते हैं तो काफ़ी देर तक हमें बैठना पड़ता है, उसके बाद अ गटरल साउंड एंड अ टिप टैप ऑफ हिज स्लिपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, फिर वो उतर के आएंगे, नीचे आते हैं बड़े आराम से, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट अ कोट, और बिना किसी कोट के, बिना किसी ओवर कोट के वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, जिनकी भी शूज़ जो हैं उनको चाहिए बनानी है। ठीक है, अ लिटिल बेंट, और वो कैसा है मिस्टर गेस्लर, थोड़े से झुके हुए हैं, झुके हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे जो जो झुक के काम करता है ना, तो शूज़ बनाने का जो काम होता है वो भी क्या होता है, झुक के करना पड़ता है, तो वो कैसे हैं, थोड़े से ऐसे झुके हुए से हैं। ठीक है, इन लेदर एप्रन, और वो क्या पहने रहते हैं, एप्रन पहने रहते हैं जो लेदर की होती है, लेदर की एक जैकेट पहने रहते हैं, विथ स्लीव्स टर्न्ड बैक, और उसके स्लीव्स उन्होंने ऐसे फोल्ड किए रहते हैं ताकि उन्हें काम करने में दिक्कत ना हो, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट, और फिर ऐसे आके खड़े होते हैं हमारे पास जैसे कि किसी सपने से जाग करके आए हों, और सपना क्या चीज़ का, तो बूट्स का, वो ड्रीम्स में भी मतलब उनको देख के लगता था कि ही इज़ ओनली मेड फॉर शू मेकिंग, उनको देखने से ही लगता था कि हाँ ये बंदा जो है वो सिर्फ शू मेकिंग के लिए ही बना है, और ये अगर सपना भी देखता है तो शू मेकिंग का ही देखता है, वो इतने ज़्यादा उसके अंदर जो है वो क्वालिटी थी शू मेकिंग की कि नैरेटर को ऐसा लगता है। ठीक है, आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, और मैं जब उन्हें बोलता था कि हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, आप कैसे हैं मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं, विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड। ओके, तो बिना कुछ बोले वो वहाँ से
चले जाते थे, ठीक है ना, बिना कुछ बोले वहाँ से वो चले जाते थे इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, शॉप के दूसरे पोर्शन में, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, और फिर मैं वहाँ पे आराम से बैठा रहता था इन द वुडन चेयर, वहाँ पे जो वुडन चेयर थी उसके ऊपर मैं आराम से बैठा रहता था, और वहाँ पे जो उनका ट्रेड था उसकी खुशबू, उसकी महक, एक शू बेकिंग, अगर तुम एक फैक्ट्री में चले जाओ जहाँ पे शू बनती है, या फिर एक शू की शॉप में चले जाओ, तो जो महक होती है, इंसेंस का मतलब होता है उसकी खुशबू, ठीक है ना, तो इंसेंस, इंसेंस ऑफ ए स्ट्रेट, यानी वहाँ पे किस चीज़ की खुशबू थी, शूज़ के जो लेदर होते हैं उसकी खुशबू से वो पूरा भरा रहता था, और मैं वहाँ पे बहुत देर तक बैठा रहता था। क्या बोला नैरेटर ने, नैरेटर ने उसको ऑर्डर दिया कि क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बनाते हैं, तो दूसरे होंगे शॉपकीपर्स या फिर शू मेकर्स, तो वो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, कैसे चाहिए, या फिर ऐसे जो है वैसे। लेकिन मिस्टर गेस्लर जो है वो कुछ नहीं बोलते थे, वो क्या करते थे, वो बस उठ के दूसरे पार्ट में, शॉप के दूसरे पार्ट में जो है वो चले जाते थे, और राइटर जो है वो क्या करता रहता था, पूरा टाइम वहाँ पे बैठ के और वहाँ की जो खुशबू है उसको बहुत देर तक लेता रहता था। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और फिर वो वापस आएंगे वहाँ से तो उनके हाथ में क्या होता था, गोल्ड ब्राउन लेदर। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece!" हाँ, तो उसकी आँखें जो हैं उस golden brown leather के ऊपर होती थी, और वो क्या बोलता था, "What a beautiful piece!" देखो, beautiful की piece की भी spelling में देखो, "What a beautiful piece!" है ना, beautiful piece बोल रहे हैं। ये actually क्या है? It is beautiful piece. Okay, it is beautiful piece. When I too had admired it, और जब मैं भी बोलता था कि हाँ हाँ सही में बहुत ही खूबसूरत है, he would speak again, तो वो फिर से बोलते थे, when do you want them? When do you want them? Want them मतलब क्या? Want them, यानी तुम्हें कब चाहिए? When do you want them? And I would answer, और मैं बोलूँगा कि oh, as soon as you conveniently can. जब तक आप मुझे दे सकते हैं तब तक, मतलब मैंने ऐसा कोई उनको डेडलाइन नहीं देता था, मैं उनको कोई डेडलाइन नहीं देता था कि हाँ इतने तारीख तक ही जमा देना है या फिर इतने तारीख तक ही कर लेना है, बल्कि मैं कहता था कि जब तक आप कन्वीनियंटली बना लो तब तक आप मुझे बना के दे दो। एंड ही वुड से, और तब वो क्या कहते थे, टुमारो फॉर्टनाइट, यानी कि टुमारो फॉर्टनाइट, यानी जो कल का दिन होगा नेक्स्ट फॉर्टनाइट में वो दे देंगे। यानी कितने दिन होते हैं एक फॉर्टनाइट में, कितने दिन होते हैं 15 डेज, एक फॉर्टनाइट में कितने डेज होते हैं 15 डेज, यानी कि फॉर्टनाइट में, यानी कि 15 दिन लगते थे उनको एक जूता बनाने में। और इफ़ ही वेर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर उसके भाई, बड़े भाई वहाँ पर रहते थे तो वो बोलता था कि ठीक है भाई से पूछ के, आई विल आस्क माई ब्रदर। तो ये सब क्या है, दिस आर ऑल देसी वर्ड्स, ठीक है इंग्लिश में ये जो स्पेलिंग्स हैं ये सब क्या है, ब्रदर जो बोला वो क्या है, एक्चुअली ब्रदर है। उनका जो टोन है वो क्या है, देसी टोन है, जिसको बोल देखने से लगता है कि ही इज सेइंग ब्रदर, ओके एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू से ब्रदर, ओके। तो ये हो गया। Then I would murmur, thank you, good morning Mr. Gessler. And then I would murmur. तो फिर मैं उनको बोल देता था कि thank you and good morning. Good morning he would reply, and even he will say in reply good morning. Still looking at the leather in his hands. और वो अपने leather को ही देखते रहते थे, जो उन्होंने golden brown leather लेकर आए Russian shoes बनाने के लिए, Russian boots बनाने के लिए, वो उस leather को ही देखते रहते हैं। यानी कि Mr. Gessler का जो है पूरा जीवन क्या है, boots और leathers में ही वो मतलब ड्रीम्स भी में भी वो क्या करते हैं, उनको लेदर ही आता है और बूट्स ही आता है। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लिपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू द ड्रीम्स ऑफ बूट्स। और फिर जैसे ही मैं बाहर
डोर की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके टिप टप की आवाज़ आ रही है, यानी कि फिर वो अपने कमरे में चले गए जहाँ पे वो बूट्स बनाना अब शुरू करेंगे। ठीक है, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेशन टू से टू हिम, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो। statement, then I cannot forget the day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of books boots creaked, you know, for time, without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Then I said, I shouldn't have creaked, it did, I am afraid. Withdraw, take back. ओके, लॉर्ड इज आईज अफ इज हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बुक्स। व्हाट इज दिस? देन आई वुड मर्मर, दिस इज नॉट द, I cannot forget that day on which I had occasion to say him. तो वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जब मैंने उनको कहा था कि मिस्टर गेस्लर, द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो, कि वो जो लास्ट पेयर बूट्स की आपने दी थी वो क्या हो गई हैं, खराब हो गई हैं। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, तो उसने मुझे बहुत देर तक ऐसे देखा बिना रिप्लाई किए, मुझे बहुत देर तक वो देखते रहे, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, तक कि वो बोलना कि वो वेट करते रहे कि जो मैंने बोला है वो बात सही नहीं है और मैं अपनी बात को चेंज करूं। मैंने क्या कहा कि लास्ट टाइम जो आपने बूट्स मुझे दी थी वो क्रिक कर गई हैं, तो इस स्टेटमेंट को क्या करूं, मैं चेंज करूं। वो थोड़ी देर तक उन्हें लगा, वो शॉक्ड थे कि अरे मेरी शूज़ के बारे में ऐसी बात हो रही है। देन सेड आई वुड शुडंट हैव क्रिक्ड, तो बोलते हैं कि ऐसा हुआ है लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। इट शुडंट हैव ग्रिक्ड, मतलब इसका मतलब है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इट शुडंट हैव क्रिक्ड, इट डिड आई एम अफ्रेड। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा हुआ था, क्रिक हो गई हैं सूट्स, ठीक है ना। तो उसके बाद यू गॉट देम व्हेन बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, तो वो पूछते हैं कि आप कब लेकर के गए थे, ठीक है, तो उन शूज को आप कब लेकर के गए थे, तो कि वो पहले से ही क्रिक थे या आपके ले जाने के बाद हुए, ऐसा था। तो बोलता है आई डोंट थिंक सो, एट दैट ही लोअर्ड हिज आईज एज इफ हंटिंग फॉर अ मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग। तो उसने, तो जब उसको लगा एक शू की उनकी हमने, मतलब हम बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि तो आपके शूज़ जो हैं वो सही नहीं हैं या फिर ऐसे ले गए थे तो ये फट गए थे, तो वो बहुत तरीके से हमें क्या करने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारे शूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपने ऐसे पहना होगा, चाहे आपने ये किया होगा या फिर ये हो गया होगा, वो बहुत तरह के एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेकिन इसे क्या हुआ, मिस्टर गेस्लर को जब हमने बोला कि हाँ, ऑथर ने बोला कि हाँ आपके शूज़ में प्रॉब्लम है, तो उसे बहुत दुख हुआ कि अरे मेरी शूज़ में प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद वो बिना कुछ बोले हुए, उसे बहुत ही दुख हुआ, ही फेल्ट, आई फेल्ट सॉरी, और मुझे भी, नैरेटर को भी बहुत दुख हुआ, ऑथर को भी बहुत दुख हुआ कि उसने उनके शूज़ के बारे में इस तरह से बात की। और फिर वो बोलता है सेंड देम बैक, सेंड देम बैक, आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें देख लूँगा, ठीक है। तो बहुत देर के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, आप उन्हें मुझे वापस भेज दीजिएगा और मैं देख लूंगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुई है मेरे शूज में। जोम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। तो वो कहता है कि वो बूट्स जो हैं आर बैड फ्रॉम
द बर्थ. ये बूट्स जो हैं वो शुरू से ही ख़राब होते हैं. तो अगर मैं उसमें अगर उसको मैं जो दोस्त जो बूट्स हम शुरू से ही ख़राब होते हैं अगर मैं उसको ठीक नहीं कर सकता हूँ तो मैं ये करूँगा कि मैं उसके पैसे आपसे नहीं लूँगा. इफ़ आई कैन डू नथिंग, तो मैं अगर उसको ठीक कर पाया तो ठीक है, और अगर मैं उसको ठीक नहीं कर पाया तो फिर मैं उसको आपके बिल से हटा दूँगा, ठीक है ना. तो मतलब अपने काम को लेके ये जो मिस्टर गेस्लर हैं वो इतने सिंसियर हैं कि अगर उन्हें लगेगा कि हाँ मेरी एक भी शूज़ में ये प्रॉब्लम है तो वो उस शूज़ के पैसे लेने को भी तैयार नहीं है, ठीक है. वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडेड इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म. और एक बार, सिर्फ एक ही बार, I went absent-mindedly. मैं बिना कुछ सोचे समझे उनकी दुकान में चला गया और मैंने उस समय जो जूते पहने थे वो उनकी दुकान के नहीं थे बल्कि मैंने बहुत ही इमरजेंसी में लिए थे, इसलिए क्योंकि मिस्टर गेस्लर जो बूट्स बनाते हैं उनमें वो बहुत टाइम लगाते हैं और हो सकता है कि नैरेटर के पास, ऑथर के पास उतना टाइम नहीं होगा. तो वो कहता है कि मैंने ऐसे ही बिना सोचे उनकी दुकान में मैं चला गया उन दूसरे शॉप के जूते पहन के. ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट. एट लास्ट ही सेड डोज आर नॉट माई बूट्स, ठीक है. और उसने मुझे कोई और मुझे मतलब पहले वो क्या करता था, मुझे लेदर दिखाता था कि हाँ ये लेदर है, ऐसी लेदर है, ऐसे शूज़ बनेंगे इसके. लेकिन वो उसने क्या किया उस दिन, उसने कोई लेदर नहीं दिखाया और वो सिर्फ मेरी जो फुट थी उसके कवरिंग को ही देख रहा था और उसने कहा कि दोज आर नॉट माई बूट्स, ये बूट्स जो हैं वो मेरे नहीं हैं, दोज आर नॉट माई बूट्स, ओके. तो ये हैं, दोज आर नॉट माई बूट्स, ओके. द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. जो टोन थी उसमें कोई गुस्सा नहीं था, ये नहीं था कि हाँ आपने दूसरे जगह से शूज़ क्यों खरीदे, और ना ही कोई दुख था कि हाँ दूसरी जगह से शूज़ खरीदे हो तो मुझे उस बात का दुख है. नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और कोई पछतावा भी नहीं था कि हाँ क्यों खरीद लिए, ठीक है. बट देर वॉज समथिंग, लेकिन कुछ जो चीज़ थी उसके अंदर जो मुझे अंदर तक क्या कर दिया, मेरे ब्लड को उसने एकदम जमा दिया. कुछ चीज़ थी जो मेरे ब्लड को एकदम जमा दिया. ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल. और उन्होंने क्या किया, उसने एक हाथ दिया, ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस, और वहाँ पे एक फिंगर उसने ऐसे प्लेस की सेम उसी जगह पे जहाँ पे वो बूट जो थी वो कम्फर्टेबल नहीं थी, ठीक है. तो मतलब उसे बूट्स की इतनी समझ थी कि उसे बिल्कुल पता था कि कहाँ पे बूट जो है वो कंफर्टेबल नहीं है और कहाँ पे उसको पहनने में कहाँ पे दिक्कत हो सकती है नैरेटर को, चाहे किसी भी पर्सन को. इट हर्ट्स यू देयर, और वो फिर उसको पूछता भी है कि इट हर्ट्स यू देयर, आपको यहाँ पे दर्द होता है, इसको पहनने के बाद आपको यहाँ पे दर्द होता है. यानी उसे ये भी पता था कि उस वो शूज़ में जो ऑथर है वो कंफर्टेबल नहीं है और उसको वहाँ पे दुख रहा है. डोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, ये जो बिग फॉर्म्स होती हैं, डोज बिग, डोज जो है इसका मतलब होता है डोज, ओके. तो डोज बिग वर्म्स नहीं फर्म्स, ओके. तो डोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, इन बिग फर्म्स के कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक, और फिर उसे लगा, वो इतना बात नहीं करता था लेकिन उसने बोला उस दिन, जैसे उसे लगा कि हाँ कुछ मौका है तो मुझे बोलना चाहिए, तो वो बोलता है. एंड ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और उसने बहुत ज़्यादा बोला और बहुत सारी चीज़ें बोली अबाउट दिस फर्म्स, जो फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो जूते बनाती हैं उनके बारे में. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, और यही एक टाइम था जब मैंने देखा कि वो अपनी
कंडीशन के बारे में या फिर अपने जो उसे परेशानी होती है उसके ट्रेड में, उन सब चीज़ों के बारे में वो क्या कर रहा था, बातें कर रहा था। उसके पहले उसने कभी भी उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की थी ऑथर से कि हाँ फर्म्स की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या फिर ये जो फर्म्स हैं इनमें भी ये लोग जो शूज़ बनाते हैं इनकी कोई क्वालिटी के बारे में नहीं सोचते हैं और सिर्फ ऐसे ही बना देते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसने उससे उस दिन पूरा बोला। और मुझे लगता है कि वो फर्स्ट टाइम ही उसने बोला था। दे गेट इट बाय द एडवर्टाइजमेंट। तो वो कहता है कि हाँ जूते तो वो अनकंफर्टेबल बनाते हैं, जूते जो भी शोज वो बना रहे हैं दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, लेकिन फिर भी लोग जो हैं उनके पास जाते हैं और परचेस करते हैं, ठीक है। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, तो उन्हें दे गेट इट ऑल इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे क्या कि दे गेट इट ऑल, ओके। तो इसका बोलने का मतलब है कि वो सब उन्हें मिलता है, यानी कि उन्हें कस्टमर्स, गेट इट ऑल ऑल कौन है, कस्टमर्स हैं, तो उन्हें ये सारे कस्टमर्स मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कैसे मिलते हैं उनको ये कस्टमर्स, बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क, काम से नहीं मिलते हैं बल्कि उनके एडवर्टाइजमेंट की वजह से उन्हें ये कस्टमर्स मिलते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, और हम जो हैं दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, यानी कि हमसे ये कस्टमर्स जो हैं वो छीन ले रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अच्छा एडवर्टाइज कर रहे हैं। हु लेफ्ट आवर बूट्स, जो जिन्होंने क्या किया है, हमारे बूट्स पहनना छोड़ दिया है। इट गिव्स टू प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और इसी वजह से, और वो कहते हैं कि इसी वजह से मेरे पास अभी बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है। तो मिस्टर गेस्लर जो है उनकी क्वालिटी के बारे में तो हमने सुना ही ऑथर से, ही इज़ अ वेरी ग्रेट शू मेकर, बहुत ही अच्छे शू मेकर हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के शूज़ बनाते हैं, लेकिन ऐसे क्वालिटी शू बनाने वाले के पास क्या है, काम नहीं है। क्यों काम नहीं है, क्योंकि वो लोग जो काम नहीं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं उन्होंने क्या किया है, इनके सारे कस्टमर्स को छीन लिया है, ठीक है। एवरी ईयर इट गेट लेस, हर साल इनके कस्टमर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इवन ये भी जो हमारे ऑथर हैं इन्होंने भी इमरजेंसी में दूसरी जगह से शूज़ खरीद ली, यानी कि ये कस्टमर भी तो वहाँ गए है नहीं। तो हर साल इनके कस्टमर्स जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, और अब नैरेटर को बहुत ही पछतावा हुआ, और नैरेटर जो है उसने देखा कि बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और बहुत सारी कड़वी चीज़ें, कड़वी स्ट्रगल्स, वो सब चीज़ें उसके चेहरे पे आज उसे दिखी थी। किसके चेहरे पे, उस शो मेकर के चेहरे पे आज उन्हें दिखी थी। क्यों दिखी थी, क्योंकि नैरेटर जो है वो दूसरे फर्म की शूज़ पहन के आ गए थे, और उन्हें क्या लग रहा था कि वो शूज़ उनको कंफर्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने पहना है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो वो सारे दर्द जो हैं जिनकी वजह से उनके सारे कस्टमर्स जो हैं वो दूसरी जगह चले गए हैं, ठीक है ना, उसके बारे में उन्होंने आज उनसे बात किया। तो उसे लगा कि ये तो कभी बात नहीं करता था, तो उसे लगता था कि हाँ इतनी अच्छी शूज़ बनाता है तो इसके शूज़ इनकी तो शूज़ बहुत बिकते होंगे और लोग बहुत पसंद करते हैं तो लेके जाते होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि उसके कस्टमर्स जो हैं वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज बिग फर्म्स। और उसे उसी दिन पता चला, और उस दिन उसे दिखा उनके जो स्माइल में उनकी है जो रेड बियर्ड थी उसके अंदर जो ग्रे हेयर्स छुपे हुए थे, और उनकी जो स्ट्रगल छुपी हुई थी और उनकी जो भी सच्चाई छुपी हुई थी वो उस दिन उभर के सामने आई जब उसने ऑथर के सामने अपनी पूरी बातें बोलना शुरू किया, ठीक है। As best I could explain the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs.
तो अदर जो है वो चाहता था कि वो उसे एक्सप्लेन करे कि क्यों उसने वहाँ से शूज़ खरीदे, ठीक है, एमरजेंसी में खरीदे या फिर क्यों किस वजह से खरीदे, लेकिन वो बोल नहीं पाया उसको, ठीक है, और इसी वजह से बट हिज फेस एंड वॉइस मेड मी सो डीप, लेकिन उसके चेहरे को पढ़ के समझ के ऑदर को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही पछतावा हुआ, उस इमरजेंसी में बूट खरीदने का बहुत पछतावा हुआ, और इसी वजह से उसने बहुत सारे पेयर्स जो हैं बूट्स के उसको ऑर्डर दे दिए। अगले कुछ मिनट्स तक उसने कहा कि नहीं, ये पेयर तो मैंने बाहर से लिया है लेकिन मेरे को और भी बहुत सारे चाहिए, तो आप मुझे ये बना दो, ठीक है। उसको ज़रूरत नहीं थी लेकिन सिर्फ उसे बहुत ही बुरा लग रहा था मिस्टर गेस्लर के लिए, इसलिए उसने क्या किया, बहुत सारे शूज़ जो हैं वो ऑर्डर कर दिए। They lasted longer than ever and I was not able to go to him for nearly 2 years. और जो मैंने बहुत सारे शूज़ उसको ऑर्डर कर लिए तो मुझे 2 साल उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके शूज़ तो वैसे भी बहुत चलते थे, है ना, तो इसीलिए उसको उसके पास 2 साल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज हम यहीं पे चैप्टर को स्टॉप करते हैं, इसके आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।